हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं अर्तुगल का थीम सॉन्ग का रिएक्शन। एंड ये हमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड था रिसेंट में, और लोगों ने कहा कि भाई ये गाना क्या है, इसका भी आप थोड़ा रिएक्शन दो। और साथ में मेनली क्या है, टर्किश कुछ ऐसा कुछ है, ये ड्रामा है उसके बारे में। मेरे को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लोगों ने बताया तो देखते हैं अर्तुगल गाजी। और मैंने सुना बहुत है, लाइक मेरे को याद है 1-1.5 साल पहले मैं ट्विटर देख रहा था, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था ये। एंड बहुत ज़्यादा लाइक पाकिस्तान में, इंडिया में लोग बता रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि ट्रेंड कर रहा है, पर क्या है कैसा है वो पता नहीं। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो, मेरे को थोड़ी सी एक फ्रैक्चर हुआ है क्रिकेट खेलते समय, तो वो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है। और जो अर्तुरुल है बेसिकली वो रियल लाइफ पे बेस्ड ड्रामा है। और क्या कहते हैं, जो अर्तुरुल है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा एडवेंचरस सा ड्रामा है। और मैंने इसका पहला एपिसोड देख रखा है, उसमें मुझे ये लगा था कि वहाँ पे उन्होंने बेसिकली एक लड़की को बचाया था जो कि मुस्लिम थी, और शायद उस लड़की का और अर्तुरुल का कोई लव स्टोरी भी है शायद, मुझे ऐसे लगता है। और बाकी जो अर्तुरुल है ना, वो बेसिकली कहते हैं ना अल्लाह पे बहुत बिलीव करने वाला इंसान, तो शायद वो कुछ वैसे ही है। तो उनकी लड़ाई भी होती है इस वजह से कि जो काफिर होते हैं बेसिकली, जो अल्लाह पे बिलीव नहीं करते, उनके साथ उनकी लड़ाई भी होती है। और जो अर्तुरुल है वो कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल वो है। और ये काई ट्राइब करके इनकी ट्राइब है, वो उनकी सरदार का बेटा है, और उनको इस चीज़ का भी घमंड नहीं है कि ऐसे ये मतलब काई ट्राइब का सन का बेटा है, और मतलब ये आगे सरदार कुछ होने वाला है, तो उसको किसी चीज़ का घमंड नहीं है, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। और कहते हैं ना अल्लाह का बंदा, ये लिटरली अल्लाह के बंदे ही है। और बहुत ज़्यादा अच्छा इनका दिखाया गया है इस ड्रामा में। वही तो देख लेता हूँ इसके बारे में क्या है, क्योंकि मैंने तो इतना देखा नहीं है, तो देखते हैं फिर कैसा होता है इसका थीम सॉन्ग। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। Let's start. यही है। अच्छा यही है। ऐसे वॉर वाली फिल्म में वैसे ही बहुत मस्त होती है। एक्चुअल वॉर अच्छा नहीं होता, सिर्फ फिल्में अच्छी होती है। ये ऑटोमन एम्पायर के अराउंड बेस्ड है क्या? हाँ, काफी सिमिलर है वो दोनों। वाह, एंटू देखो, ओ ये क्रिश्चियन पर भी मतलब अटैक करते हैं शायद, इसमें दिखाया हुआ है, फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाया है कुछ ऐसा। क्या बात है। और उनके खुद के घर में जाके शायद मारा। हाँ शायद काइंड ऑफ मेरे को ऐसा है, गुरिल्ला वॉरफेयर करते हो ना कि जंगलों में जा जाके वैसे। ओह, ये इनकी ट्रिक है मेरे ख्याल से कि लाइक उनका दोस्त बन के आना है, उस तरीके से एकदम से निकल गए। सरप्राइज। पूरा ग्राफिकली दिखाया मेरे को, कहाँ पे कट लेंगे, कितना ड्रामा सा था ना। मुझे लगता है इसका सर भी गया। सर तो सबका ये भी गया। नॉर्मली ये मूवीज में छुपा दिया जाता है, पर ये लोग तो क्लियरली दिखा रहे हैं। हाँ, और ऐसे लग रहा है कि सही में ही मार रहे हैं। ये मुझे ना पीस, ये कहीं कुछ एंजल्स तो नहीं है कहीं, ये देखो ना बिल्कुल ऐसे सेम से जो
सेन से थे तो। ओह वाह ओ भाई कितनी कटिंग होती है। ये हर जगह यही कर रहे कम्बल मुझे मेरे ख्याल सरप्राइज वाली जो वो मीम है ना वो यहाँ से शुरू हुई होगी। वाह लगा तो सही था पूरा एकदम मस्त। बहुत ही इंटरेस्टिंग मेरे को ये वेब सीरीज लग रही है, जो भी है वेब सीरीज है या वेब शो है जो हो सकता है, पर बहुत कमाल का लग रहा है जिस तरीके से पूरा बनाया गया। लाइक वो कैसे हर जगह जाके लाइक अपने दुश्मनों के मेरे ख्याल से काइंड ऑफ गोरिल्ला वॉरफेयर ही कर रहे हैं कि वो छुपे छुपे जंगलों में रह रहे हैं एंड काइंड ऑफ उनके साथ मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं एंड उसके बाद एकदम से सरप्राइज करके उनको काट देते हैं एंड वहाँ पे सीधा वो मेन राजे पे अटैक करने पे जाते हैं। जो भी सामने वाले का मेन पीस होगा ना उसके ऊपर अटैक करेंगे, उनके आजू बाजू को मारने वाले पे इतना ध्यान नहीं रखते, तो वैसे उस तरीके से जा रहे हैं। एंड लाइक जो सॉन्ग के लिरिक्स थे वो तो मेनली यही थे कि लाइक अपने गॉड पर ध्यान रखो एंड उस तरीके से रखो एंड अल्लाह इज प्रोटेक्टर एंड ऑल, तो उस पर था। और बाकी जो अंदर के एक्शन थी वो बहुत कमाल की थी। और लास्ट में तो बस यही था कि हर एक बंदा कट ही रहा था जो उनके सामने आ रहा था, किसी का हाथ कट रहा है, सर कट रहा है एंड बहुत ही खतरनाक हो रहा था। और तुम्हें पता है जो मतलब कि वो व्हाइट कलर के वो क्रिश्चियंस को मार रहे थे, और वही जो फर्स्ट एपिसोड है वही दिखा रखा कि वो लड़की होती है ना उनको भी उन क्रिश्चियंस ने ही लाइक पहले केज में डाला होता है। और इन क्रिश्चियंस का ना शायद अर्थरुल की जो ट्राइब उनके साथ लड़ाई होती है, क्योंकि ये जो क्रिश्चियंस कम्युनिटी है बहुत ही इसमें गंदी सी दिखा रखी, बहुत रूड सी कम्युनिटी दिखा रखी है। और ना इसमें राजा सा है जो कि मतलब एक बहुत ही गंदा सा राजा है, और ना उसका एक सीन दिखा रखा है कि वो लड़कियों को खरीद रहा था और उसने एक लड़की को मार दिया। मतलब एक इसमें सीन भी है फर्स्ट एपिसोड में वाइन वाला सीन, वो भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और जिस हिसाब से लास्ट में जो अर्थरूल थे वो उन्होंने सबका सर काटा है ना, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि सही में ये हुआ है। मेनली कैसे है ये टर्किश ड्रामा, बट उसके बाद ये पाकिस्तान में इतना ज्यादा फेमस हो गया, फिर इंडिया में इतना फेमस हो गया कि काइंड ऑफ इसकी उर्दू वर्जन तक निकल आई है, हिंदी वर्जन निकल आई है, तो उस तरीके से इसका क्रेज बना हुआ है। तो आप लोग इसका बताएगा और क्या क्रेज है और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सॉन्ग और साथ में बहुत थीम सॉन्ग लगा। तो ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय बाय।